आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दानापुर के राजद विधायक रतलाल यादव को अपराधी बताकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अपराधी छवि के व्यक्ति को रामचरितमानस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राजनीति का अपराधीकरण किया गया था, उसी का नतीजा है जो अपराधी है वह रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है, उसे यह अधिकार नहीं है। बताते चले कि राजद विधायक रतलाल यादव ने अपने विवादित बयान में कहा कि रामचरितमानस को एक मस्जिद में लिखा गया था, जिसको लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, देखिए इस वीडियो में। देखिए, किसी का मानसिक स्थिति खराब हो और एक अपराधी रामचरितमानस का ज्ञान दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। एक गुंडा अपराधी जिसने पूरे उस इलाके को लूटने का काम किया, लालू जी ने उनको विधायक का टिकट दिया और वो रामचरितमानस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लालू जी ने पूरे राजद का अपराधीकरण किया और एक अपराधी रामचरितमानस पर बोलने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। स्वाभाविक है, जेडीयू ने ही मुख्यमंत्री पद से हटाया, यही तो नीतीश जी का करिश्मा है, कट एंड पेस्ट। एक ही जाति के पांच नेताओं को बेइज्जत करना, एक को गद्दी देना, दूसरे को हटाना, दूसरे को सटाना, यही है नीतीश कुमार का जलवा। नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, उसके बाद नहीं होना है। ये 30 मई से कार्यक्रम चल रहा है, ये लोग का सपना में अभी तारीख तय हो रहा है। ये लोग 3 तारीख बदल चुके हैं, हमारे यहाँ तारीख नहीं बदलता है। हमारे यहाँ 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान चला रहे हैं और देश की जनता को बता रहे हैं कि भारत 2014 के पहले क्या था और 2023 में कैसा भारत, ये बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है कि गोल गोल सिर्फ घुमा रहे हैं बिहार के लोग, वही सड़क, वही बिजली, वही पानी। आज भी देख लीजिए, पूरे बिहार में कहीं भी 15 घंटे बिजली नहीं मिल रहा है नीतीश के राज में। ये लोग क्या बोलेंगे, इन लोगों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और 23 की बैठक में होना क्या, उसमें तो बहुत दुख है हमें कि नीतीश बाबू को सपना दिखाकर हम लोगों से अलग किया गया और सपना सिर्फ इसलिए तोड़वा दिया गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल गए। तो नामे जब भूल गए, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हटा दिया गया। ये बिहारी होने के चलते अब लगता है अपमानित हुआ।